हमारा नाम प्रेमचंद उपाध्याय है। मैं आनंद विहार नवबस्ता से आया हूँ। ये बाबूजी से हम जुड़े हैं करीब 8-9 साल से। सिर्फ इनके खिलाफ ये सब साजिश है। बाबूजी बिल्कुल निर्दोष है। हम लोग का दिल आत्मा सब गवाही है। सरकार से यही मांग करेंगे कि बाबूजी को रिहा करिए। बाबूजी निर्दोष हैं। हम लोग के सीने में वो शक्ति नहीं, फाड़ के भी दिखा सकते हैं। और सरकार से ये लोग एक ही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। हमारा नाम प्रेमचंद उपाध्याय है। मैं आनंद विहार नवबस्ता से आया हूँ। क्या करते हो? हमारे पास परचून की दुकान है। कितने सालों से जुड़े बाबू? ये बाबू जी से हम जुड़े हैं करीब 8-9 साल से। 9 साल से तो बापू पे जो आरोप लगे, बापू जेल के अंदर बंद है, बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, उसके बारे में क्या कहो? बाबू जी के अंदर ऐसी कोई भावना ना थी, ना है, ना रहेगी। ये सब सिर्फ इनके खिलाफ ये सब साजिश है। बाबूजी बिल्कुल निर्दोष है। हम लोग का दिल आत्मा सब गवाही है। क्या परिवर्तन हुआ जीवन में? क्या मिला बापू से जुड़ने से? क्या मिला हमको? ये मिला, मैंने जब से मंत्र दीक्षा लिया, मैं उसके पहले कुछ नहीं था। आज परचून की दुकान है, लखों में खेल रहे हैं, दो दो लड़के हैं, एक इंटर में पढ़ रहा है, कक्षा 9 में पढ़ रहा है। हम खुशहाल हैं, परिवार खुशहाल है। क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से यही मांग करेंगे कि बाबूजी को रिहा करिए। बाबूजी निर्दोष हैं। हम लोग के सीने में वो शक्ति नहीं, फाड़ के भी दिखा सकते हैं। मतलब मरते दम तक बापू को नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा संत आसाराम जी बापू 6 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, और इतने आरोप लगने के बाद भी आज भी ये भक्त बोलते हैं कि हम मरते दम तक मतलब बापू का साथ नहीं छोड़ेंगे। और सरकार से ये लोग एक ही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, कानपुर से रप्तार न्यूज।